वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह, सत श्रीकाल, नमो बुधाए, जीवन साथियों, सलाम साथियों, वाई सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से, साथियों आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वाई सो मानवता उठाता है। साथियों आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे हम उन्हीं को मानते जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो गुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों आज हमारी बात, हम बात करेंगे आज जो है सिख धर्म को अपनाने के बाद में जनरल कौर जी बने हैं, तो ये हमारे उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में हम सवाल जवाब करें। जी जनरल कौर जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह जी। जी, पहले सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप कहाँ से हो और कैसे, मतलब इसमें मतलब अपना पूरा बता दीजिए, आपके कौन सी जिले से और कहाँ से हो। जी मैं भारत में छत्तीसगढ़ स्टेट और जी रायपुर डिस्ट्रिक्ट, पिंडदा नाम पूंजीपथरा बीडीओ बाड़ी। हिंदी में बात करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी में सुनेंगे सभी, पंजाबी तो सिर्फ पंजाब तक सीमित रह जाएगी बात ये। तो अभी जो हमने एक ऑडियो आपका वीडियो देखा था उस पर फेसबुक पर, तो हमारे सामने वीडियो आया, तो मैंने संपर्क किया आपसे, उसके जरिए ही संपर्क किया। तो आपने सिख धर्म जो ऐसे उसमें जो जिक्र किया था, आपने किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, किसान आंदोलन में आप आए थे, उसके बाद में आपने सिख धर्म को अपनाया, इसके पीछे क्या है, मतलब ये कैसे हुआ आपका, क्योंकि सिख धर्म को अपनाना इतना आसान तो नहीं है, और ये कैसे हो पाया आपकी लाइफ में तब्दीली की। देखिए, अब मैंने हमेशा जहां पर संघर्ष में ही मेरी लाइफ गुजरी है, जब से होश संभाला है, तो जी जब मैं आंदोलन में मैं जब गई थी, तो संघर्षों की वजह से आपको पता है बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। मुझ पर भी कुछ केसेस हैं, तो मैं उनकी वजह से दिल्ली गई हुई थी। जी जब मैं दिल्ली गई, मुझ पर उस समय वारंट भी था, तो मैं दिल्ली अपने वकील से मिलने गई थी। उन्होंने कहा कि इस वक्त आपको घर नहीं जाना चाहिए, आप यहीं रुक जाओ 3 4 दिन। तो जी मैंने सोचा कि रहने का ठिकाना कहाँ खोजा जाए, तो उस समय किसानी आंदोलन चल रहा था। मैंने सोचा यहाँ पे भी हम आंदोलन करते ही रहते हैं, यहाँ हमने कई अज्ञापन भी दिया था कलेक्ट्रेट में, जी तो मैंने सोचा आंदोलन में करती जी तो जी आंदोलन में के बाद में फिर वहां फिर मेरा मन हुआ कि अब मैं सारा आंदोलन यहाँ पे खत्म करके ही जाऊंगी। वहां मैंने बहुत सारी चीजें देखी जो मुझे अपने साथ में ऐसे लोग कभी मिले नहीं कि जो मैं सोचती हूँ वो भी सोचते हूँ। तो वहां मुझे ऐसे लोगों का एक समाज मिला, तो बस मेरा मन हो गया कि मुझे इसी समाज में शामिल हो जाना है। जी। तो ये तो मतलब देखो इसमें क्या होता है ना, जो कुदरत जो है ना खेल खेलती है, वायुगुरु जो है, जो वायुगुरु का जो चलता है ना कुदरत का एक करिश्मा होता है, तो करिश्मे किसको बता कर नहीं आते लाइफ में, कैसे कैसे निकल करके कैसे इंसान पहुंच जाता है ये खुदा ही जानता है, वायुगुरु जानता है। तो वो कहने की मिलवा देता है, जैसे जिस चीज के अंदर मन में प्यास होती है, जब पानी की प्यास लगती है ना इंसान को, तो सीधा पानी की तरफ दौड़ कर जाता है, पानी किसी के पास नहीं जाता है, तो जब जब भूख लगती है तो भोजन किसी के पास दौड़ कर नहीं आता, तो भोजन के पास आदमी खुद ही जाता है। तो ऐसे ही होता है, कहीं ना कहीं कोई इंसान को जिस चीज की जरूरत है उसमें लाइफ में आना होता है, तो उससे मिलवा देता है। तो किन से मतलब किन जो मेन लोग हैं जिनसे आपसे आपकी मुलाकात हुई है, वो कौन लोग हैं, इनका नाम क्या है, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में ये तब्दीली आई है। जी मैं न्यांगसिंग फौज अरबा करबा तरना दल के साथ में रही वहां पर। फिर जी मैं यूनाइटेड सिक्स में जो उनका क्लिनिक था उसमें मैंने सेवा दी। तो मैं सभी जगह घूमती थी लोगों से। फिर जो दीप सिद्धू का जो अलग स्टेज बाहर किया हुआ था उस स्टेज पर, वहां भी लोगों से मैं मिलती, सभी जगह मैं मिलने जाती थी। जी तो फिर सबसे ज्यादा मेरा इम्प्रेशन जो रहा वो जो किसानों की शहादत हुई, क्या जी जरूरत थी उन्हें, जब देश के, और भी ये कानून तो पूरे देश के लोगों के लिए था, सारे देश के लोगों को आना था, फिर वही लोग आकर उन्हें वहां जाकर शहीद होने की क्या जरूरत थी मरने की।
जिस तरह से, और फिर सरकार ने वहां पर आंदोलनकारियों को जैसे आतंकवादी, नक्सलाइट, खालिस्तानी, ये सारे नाम दे रही थी, तो मन से एक ही मैं इन लोगों के बीच में टच में रही। फिर वाहेगुरु क्या है, मुझे नहीं पता था, मैं सिक्खी को बिल्कुल नहीं जानती थी, जी तो मैं वहां वाहेगुरु उन्हें ही देख रही थी जो शहीद हुए, मैं उन्हें वाहेगुरु समझ रही थी वहां पर, जो आंदोलन में थे, बच्चे, छोटे बच्चे, बूढ़ी माताएं जो बोलती थी वहां पे कि हम जीत के जाएंगे या लाश जाएंगे, तो जी मुझे मेरे में वही वाहेगुरु दिखते थे। मैं वहां कई खुद भी करती थी कि जो लोग मुझे समझाते थे कि सिख धर्म में ये है ऐसा है, तो मैं उनसे एक विरोध भी ये करती थी कि अजय धर्म बोलकर आप, ऐसा कोई भगवान होता नहीं है, तो आप धर्म बोलकर आप गुरु नानक जी को सिर्फ पंजाब तक सीमित रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे बाहर निकालिए। तो जी सरकार भी धर्म के नाम पर गुरु नानक जी को, हमारे 10 गुरुओं को पंजाब में ही सिमटने की कोशिश कर रही है, हमें पता ही नहीं है कि यहाँ क्या है, ये सिख क्या है। हम जब यहाँ रहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो हमें बताया जाता है कि ये खालिस्तानी लोग हैं, ये आतंक करते हैं, बदमाश होते हैं। हम जब भी पगड़ी बांधे हुए लोगों को मैं देखती थी तो मुझे डर लगता था, जहाँ जो ट्रकों में आते थे सड़कों पर, मेरा घर भी जी हाईवे पर है और कंपनियां भी हैं, तो डर लगता था कि ये बदमाश लोग हैं, गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, कभी हमारे सामने आएंगे तो हमें उठाकर ले जाएंगे, ये हमें डर लगता था। लेकिन वहां जाने के बाद मैंने अपनी कल्पना से बिल्कुल अलग चीज देखी और मुझे जी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ले लिया। मतलब ये मीडिया का कमाल है, हरामखोरी जो मीडिया करती है ना, ये मतलब इनकी वजह से आप लोगों के दिमाग में बात चली गई कि सरदार भी मतलब या तो पागल होते हैं या फिर आतंकवादी होते हैं, दो ही काम कर रहे हैं। ये बात जो आपने बात रखी ना, ये बात तो सही है। मतलब मैं भी एक चमार फैमिली वगैरह जन्म हुआ था, मैं 1997 में सिख बना हूँ। उससे बाद में उससे पहले मैं 20 साल वैसे ही रहा, ऐसे चलते रहे, तो मेरे भी दिमाग में जो है ना सरदारों के खिलाफ बहुत नफरत थी, इनसे मुसलमानों के खिलाफ भी सरदारों के खिलाफ भी। मतलब मैं सोचता था यार बेवकूफ आदमी है, पगड़ी बांध देते हैं, ऐसे कैसे करते हैं। तो जब मतलब एक जिंदगी का एक पल बता रहा हूँ आपको, मैं जब बाइक रिपेयरिंग का काम करता था, तो बाइक रिपेयरिंग के काम करते वजह से एक दो लड़के छोटे छोटे मेरे पास आगे बैठते थे, उनका नाम था सतविंदर सिंह कालरा, एक का नाम जसविंदर सिंह खालसा। तो मैं उनकी मजाक बनाया करता था, भाई ये सरदार 12 बज के इनके दिमाग में ये क्या है, तो मतलब बेवकूफ आदमी ऐसा लगता था मेरे को शुरू शुरू। तो जब मैं उसको पूछता था कि ना भाई बेटा ये जो तेरा नाम क्या, सतविंदर से, वो कह रहा सतविंदर सिंह खालसा। तो मैं सिर के ऊपर जो हाथ रखा ना जूड़ी के ऊपर बोलता था, मैं कहा ये बेटे क्या रखे भोपाल सा, मतलब उसको मैंने बवाल, एक हाथ तू ये कबाड़ क्या रखा है सिर के ऊपर तेरे। तो शायद देखो एक गुरु नानक साहब की जो बख्शीश होती है वो पता नहीं किस रूप में कहाँ से हो जाए ये नहीं पता लगता। तो ये उस वक्त मेरा दिमाग घूमा है इधर को, तो सिख मैं सोच रहा था कि मैं तो सिख धर्म में आऊंगा। तो मैं हमारे इस इलाके के जो है ना लोग बाहर आते थे अमेरिका कनाडा, तो आज मैं अमेरिका बैठा हूँ। तो कनाडा अमेरिका आते थे, मैं जिस टाइम पर कभी सपना भी नहीं लिया था कि कनाडा में अमरीका में चले जाऊंगा वो कभी। तो मैं सोचता था कि इसमें जो है जब मेरे कभी शादी होगी, बच्चे होंगे, उस टाइम हम सरदार सरदार बनाएंगे किसी को। तो फिर सोचा कब बच्चे होंगे, कब शादी होगी, कब ये तरक्की करेगा, तो खुद ही इस बात देख। तो मैं जब सिख बनना स्टार्ट हुआ, मेरे अंदर अड़चने बहुत सारी है, मेरे को रोकने के लिए 99% लोग मेरे पीछे लगे रहे, लेकिन मैं रुका नहीं क्योंकि गुरु की बख्शीश थी पीछे, उसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो ये हकीकत है कि मीडिया की वजह से ये सरदारों के खिलाफ जो है, सिखों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ ये फैलाया जाता है, ये बात आपने सही बोली। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आप जिस जात में ऐसे मतलब पैदा, देखो मैं जो शूद्र वर्ण है, हमने पहले एक आर्टिकल भी लिखा था, पहले बहुत सारे कहते हैं कि एक कन्वर्टेड सिख है, एक कन्वर्टेड बौद्ध है, एक कन्वर्टेड मुसलमान है। तो मैंने उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है कि कोई भी जो शूद्रों में से सिख बने, मुसलमान बने, कोई बने, वो कन्वर्टेड नहीं है। वो पहले गुलाम थे, बाद में धर्म के अंदर आए हैं। पहले हमें गुलामी के गटर में पिस रहे थे, वो बाद में आजाद हुए हैं। पहले हम बदबू में पड़े जात पात की, वो बाद में उसको खुशबू पाए हैं। तो वो जात पात वाला जो सिस्टम है, मैंने शूद्र वर्ण को लिखा था, एक आर्टिकल भी लिखा था इसके ऊपर, कि कोई भी शूद्र वर्ण किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। विश्व का कोई भी इंसान, ब्राह्मण हो या कोई बड़े से बड़ा विद्वान, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो कभी, तो वो साबित करके दिखाएगा कि शूद्र वर्ण किसी धर्म का हिस्सा है। हम उसको 21 लाख रुपए इनाम दे देंगे।
किसी भाई के अंदर लाल के अंदर हिम्मत नहीं हुई है। मेरा वीडियो पड़ा उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर, कोई नहीं आया सामने। हमने 21 लाख रुपए इनाम के रखे थे कि हम 21 लाख रुपए इनाम के देंगे। ये तो 10 रुपए के पीछे मर जाते हैं ब्राह्मण, तो 21 लाख रुपए तो बहुत बड़े होते हैं। तो फिर भी कोई माई का लाल आया नहीं सामने, तो इसका मतलब क्या है कि शूद्र वर्ण किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है, नहीं है, एक गुलामी का हिस्सा है। तो आप अपने आप को कन्वर्टेड मत कहें, आप कहें कि हम पहले अधर्मी थे, आज हम धार्मिक हैं, पहले हम गुलाम थे, आज हम आजाद हैं। तो ये आप कह सकते हैं कन्वर्टेड, बिल्कुल ये कट ऑफ कर दीजिए। कन्वर्टेड उसे कहते हैं जो धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में आया हो। जब धर्म है ही नहीं पिछला, तो फिर कन्वर्टेड कैसे हुए? तो ये आप जो है ना, चलिए मैं इसमें जो है ना, क्या क्या महसूस किया अभी सिख धर्म के अंदर आने के बाद में? उससे पहले कैसी जिंदगी चल रही थी और बाद में क्या महसूस किया, थोड़ा बताएं इसके बारे में। जी पहले जो मेरा जो जीवन था सिक्खी लेने से पहले, जी मैं पैदा क्रिश्चियन धर्म में हुई हूँ। जी वो मैंने लेकिन किसानी आंदोलन में जाने से पहले ही छोड़ दिया था। 2016 में मैंने छोड़ दिया था। किसानी आंदोलन तो 2021 में हुआ है। तो मैं वहां भी कहा करती थी कि हमें और हम जिस बुराइयों से, जात पात का वो मामला तो वहां भी है, यहाँ पर हमारे भारत में हम जी अपनी जात अपने रिश्ते नाते करते हैं। और कुछ ऐसी घटनाएं थी कि मेरे साथ जो कुछ घटनाएं घटी, मैं वहां हेल्प मांगने के लिए भी गई थी। जी तो मुझे एक जवाब मिला वहां पर कि कांग्रेस हमें साथ नहीं दे रही है, इसलिए हम आपका साथ नहीं दे सकते। तो बस वो दिन मेरा और वो जवाब मेरे लिए आखिरी था एक बात कि इसमें ऐड कर देता हूँ, कोई भी आदमी पैदाइशी धार्मिक नहीं होता। आपने कहा ना भी क्रिश्चियन धर्म में पैदा हुई है, मेरा मानना जी ऐसा है कि कोई भी इंसान पैदाइशी धार्मिक नहीं होता। धर्म धार्मिक तब होता है जब आदमी उसको अपनाए। मतलब अच्छा अपना अपनाया ही नहीं है तो धर्म का उसको मतलब, आप एक नॉर्मल थे मतलब धार्मिक नहीं थे। अब धार्मिक, अब धर्म की समझ अभी आई है आपको। पहले मतलब हम भी जब सिखों के घर में पैदा हुए, वो सिख जो सिखों के घर में पैदा हुए बच्चे, कोई भी किसी घर में पैदा हुआ बच्चा वो धार्मिक नहीं कह सकते उसको। अगर मतलब मान ली छोटी बात अगर रखें, अगर कोई पुलिस वाले के घर में बच्चा पैदा हुआ तो वो पुलिस वाला तो नहीं बन सकता, उसको ना पुलिस वाला कह सकते हैं। अगर कोई जज के घर में बच्चा पैदा, उसको जज नहीं कह सकते हैं। तो जज तब बनेगा जब वो जज आएगी, जज की पढ़ाई करेगा, पुलिस वाला तब बनेगा जब पुलिस वाले, जब ये छोटी छोटी भी पदवी पढ़ने के बाद में, कुछ हासिल करने के बाद में मिलती है। तो ये तो धर्म तो बहुत बड़ा मसला है, इसको ऐसा इतना आसान नहीं लिया जाता। इसको आसान ले लिया, इस करके फेल हो गए लोग। तो ये जो है ना, आप ये इसको आप जो अगर किस कहाँ पैदा हुई, वहां से अगर नहीं होता इसमें, तो ये कह सकते हैं आप धर्म का आपको समझ नहीं था, आप धर्म आए। तो ये अच्छा है, मतलब देखो इसमें फिर मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि जो पैदाइशी इंसान कोई भी धार्मिक नहीं होता, उसको किसी भी धर्म के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। जी तो बस इसीलिए फिर वहां कि अगर वो भगवान है, वहां है, तो फिर वो इनको वो सद्बुद्धि क्यों नहीं दे रहा? एक राजनीतिक पार्टी को लेकर के, एक समाज को, आपके साथ की, आपके समाज की एक महिला आपसे हेल्प मांग रहे हो, आप एक राजनीतिक पार्टी का हवाला दे रहे हो कि वो आपके साथ नहीं, इसलिए आप साथ नहीं आ सकते। तो फिर मेरा मन टूट गया। वो समय मेरा आखिरी था वहां। फिर हमने मेरे मेरे पूरे परिवार ने छोड़ दिया। फिर जब मैं किसानी आंदोलन में गई, मैंने आपको बताया कि मेरा ये जी इंप्रेशन मुझे मिला। उसके बाद अब मैं आई हूं, तो अब मेरी सोच बदल गई है। मैं मेरे काम करने का, जीने का तरीका सब कुछ बदल चुका है। जो थोड़ा बहुत डरती तो मैं पहले भी नहीं थी, लेकिन अब डराने वाले भी सामने आने से कतराने लगे हैं। तो ये हिम्मत आई मतलब है ना, हिम्मत वो स्पिरिट आई। आर्मी में गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं 1.25 लाख से एक लड़ा तभी गोविंद सिंह नाम रहा हूँ, वो स्पिरिट आगे अंदर है, ये कह सकते हैं। ये महसूस करती हूँ, ये सबसे बड़ी बात है कि मैं महसूस करती हूँ इस बात को कि मैं 1.25 लाख हूं आज, सिंह सजने सिंगनी। जी जी जी
ये मतलब देखो ना, इसमें मैं भी जब सिख धर्म में, अब मुझे तो इतनी जानकारी नहीं थी इसके बारे में, जब मैं तो लालच के कारण आया था भी। हम ऐसे जैसे हमारे इलाके के लोग जो है पैसे कमाते जाकर बाहर, तो पैसे कमाएंगे, लेकिन आज गुरु ने बख्शीश करके वो पैसे का जो लालच था वो भी खत्म किया। और मैंने 5 किताबें भी लिख दी हैं। मैंने सबसे जो मेरी पहली किताब जो थी, जो अभी ये जो हिंदू लोग है जो उनको ब्राह्मण कहते हैं, ये सबसे बड़े अधार्मिक लोग जो भारत में है क्या वर्ल्ड के अंदर, वो ब्राह्मण कहते हैं इनको, वो अधर्मी है, इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। हमने कई बार इनको चैलेंज भी किया कि ब्राह्मणों को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, अगर ये इनमें किस्मत दम है तो हम 1.25 लाख ब्राह्मणों से विचार चर्चा करना चाहते हैं, किसी भी स्टेज पर वर्ल्ड के कहीं भी आ जाए तो हम धर्म के। फिर हम ये बोल देते हैं कि हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है, ज्ञान सीखना और सिखाना है। अगर कोई हमें हराना चाहता है या खुद हारना चाहता है तब भी आ जाए, तो फिर भी नहीं आया कोई, तो ऐसे भी आता है। तो मतलब कहने का ये है कि जो ब्राह्मण, जो जिन्होंने धर्म के ऊपर, धर्म का नाम लेकर के जो कब्जा किया मानवता के ऊपर, ये गुरु नानक साहब कहते हैं इनके बारे में कि मत्थे टिका तेढ़ तोपती कखाई हथ छुरी जगत कसाई बुच्चड़ ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के कसाई हैं। और संत कबीरदास जी कहते हैं कि ये भर के संत नाथ, ये बनारस के ठग, ये हरि के संत नहीं है, ये बनारस के जो ठग हैं वो चोर डाकू, एक तो चोर होता है, एक डाकू होता है, एक लुटेरा होता है, इन तीनों को एक साथ मिलाया जाए फिर ठग बनता है, मतलब इनसे भी ज्यादा खतरनाक होता है ठग। तो ठग कहते हैं बचपन से लेकर इंसान को लास्ट तक लूटता है, अंतिम सांस तक लूटता है। ये ब्राह्मण जो है बच्चों के नाम पर लूटता है, शादी के नाम पर लूटता है, फिर मरने के बाद में श्राद्ध के नाम पर लूटता है, तो लोगों का लूट लूट कर ये मतलब इन्होंने खोया कि मतलब दूसरे लोगों को तो खुद गुलाम बनाया है, लेकिन ये खुद भी गुलामी के अंडर फंसे हुए हैं, क्योंकि इंसान जो आजाद हो वो क्यों फंसाएगा गुलामी में। तो इसमें जो बात रखते हैं हमें, जैसे कि सिख धर्म के आने के बाद में आपको जो खुशी महसूस हुई है, मैं समझ सकता हूँ उसको, क्योंकि जब हमने भी जब धर्म अपनाया था ये, उससे हम भी ये कहते रहे कि हम हिंदू धर्म में से कन्वर्टेड है, तो अब बाद में लगा पता कि ये तो हिंदू धर्म तो धर्म है ही नहीं, वो तो एक मतलब गुलामी का गटर है। तो हम अभी उसको स्पष्ट कर दिया हमने कि हम धर्म में से कन्वर्टेड नहीं है, पहले अधार्मिक थे आज हम धार्मिक हैं, पहले हम गुलाम थे आज हम आजाद हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं। तो अभी जो है सिख धर्म में आने के बाद में आपको सपोर्ट दिया हो किसी ने, तो आपको सपोर्ट कितने लोगों ने दिया सिख धर्म से, अभी इसके बारे में थोड़ा बताएं जी। मुझे मॉरल सपोर्ट तो सारी लोगों जिनसे भी मैं मिली हूँ सबने मेरी हिम्मत को बढ़ाया है। अब मुझे वही चाहिए, मैं जी वही चाहती हूँ कि एक मेरे अंदर में बस एक हिम्मत दे दे मुझे, जो करना है वो तो मैं कर लूंगी। मुझे चलिए, मॉरल सपोर्ट के लिए सबसे बड़ी चीज है कि मेरा वो उत्साह बढ़ा दे, मेरी हिम्मत बढ़ा दे। जी, ये तो देखो इसमें है ना, जो भी सिख मिलेगा, जो गुरु से जुड़ा हुआ सिख है, वो कभी भी हौसला नहीं तोड़ेगा आदमी का। ब्राह्मण सबसे पहले क्या करता है, वो बंदे का हौसला तोड़ देता है, मनोबल तोड़ देता है। अभी ये ब्राह्मण को भी बात देखी होगी अपने, ये सबको कहते हैं, ये जैसे गौतम बुद्ध की बात रखते हैं कि गौतम बुद्ध भी ये कि उसके अवतार थे, या कि जो भी है कि उसको बोलते हैं विष्णु के अवतार। तो हमने एक आर्टिकल लिखा था अभी थोड़े दिन पहले कि ब्राह्मण, 5 करोड़ ब्राह्मण भी मिलकर के गौतम बुद्ध की विचार को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी अनुभवी विचार है। ब्राह्मणों की ब्राह्मण विद्वान तो है लेकिन ज्ञानवान नहीं है, ज्ञान नहीं इनको 1% भी है। तो विद्वान में और ज्ञानवान में बहुत फर्क होता है। तो आपको कोई भी सिख मिलता है, कभी भी आपका मनोबल नहीं तोड़ेगा। हाँ, अगर मनोबल तोड़ रहा है तो इसका मतलब सिख नहीं है वो, बाहर से नजर आ रहा है सिख, अंदर तक गधा ही है, गधा भी कह सकते हैं, या उसको ये कह सकते हैं ना समझ है, ज्ञान नहीं है किसी बात का, उसको ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें जो है अभी जो सिखों, जो मैंने जो आपका नंबर लिया था, ये राजा राम जो है उनसे, राजा राम सिंह जो है, राजा राज सिंह, उन्होंने नंबर दिया था अच्छा आपको। देखो नाम भी कितना मतलब एक रखता है, राजा राज सिंह, एक राजा भी अच्छा है और राज भी कर रहे हैं और ऊपर सिंह भी है कितनी कितनी बड़ी बड़ी बात है ना, राजा राज सिंह। तो ये गुरु की कृपा देखो कितनी तगड़ी कृपा उनके ऊपर, भाई जब भी चलते हैं बेधड़क होकर। हमने उनका इंटरव्यू लिया था आज से कोई हफ्ता 2 हफ्ते पहले, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो ये हमें अच्छा लगा कि वो अपने लेवल पर जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सिखों के अभी आने वाले वक्त में आप क्या करना चाहती हैं, और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, आप इसमें एज ए होस्ट बन करके आप खुद आ जाएं, या आपके जो परिवार के हैं
मैं चाहता हूं कि इसको जितने भी आपके जान पहचान अलग अलग जिले से एक एक लड़की को जोड़ के साथ में लड़कियों को खास करके सामने आना बहुत जरूरी है। मेरा मानना ऐसा है कि अगर वो जो महिला है, महिला अगर मानसिक तौर से आजाद हो जाती है तो वो उसको परिवार को संभालने में, परिवार को आप गुलामी से बाहर निकालने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर एक महिला गुलामी में फंसी हुई है वो सारे परिवार को धकेल देती गुलामी, आपको बोला महिला जो है बिल्कुल ना जिस चीज पर अटकी ना एक बार, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए वो नहीं हटना पीछे। तो मैंने देखा कि महिला का सुधार होना बहुत जरूरी है। तो इस करके मैं चाहता हूँ कि आप वॉइस ऑफ मानवता पर जुड़ करके एज ए होस्ट इस पर आप हर हफ्ते एक प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे आने वाले वक्त में, सिख धर्म के लिए या और लोगों को इस गुलामी से निकालने के लिए क्या करना चाहते हैं आप? मैं खुद ही गुरुमुखी सीख रही हूँ और गुरुवाणी पाठ मैं सीख रही हूँ। और अपने साथ में मैं अभी और भी 6 लोगों को मैं अभी पढ़ा रही, मेरे साथ साथ सिखा रही हूँ। साथ में जहाँ जो हमारे लेबरों के बच्चे हैं जो फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, तो उनके जी बच्चों को भी मैं 1 घंटा पढ़ाती हूँ। तो जिनके माँ बाप उनको स्कूल भेज नहीं रहे, वो भेजने के लायक उनके पास है नहीं, तो उनकी पढ़ाई मैंने अभी शुरू की है। जी लगभग 6 7 महीने हो रहे मैंने ये काम शुरू किया है। जी तो वो साथ साथ पढ़ाई के साथ मैं उनको गुरुमुखी भी सिखा रही हूँ। वो अभी जैसे उड़े उड़े का साथ में छोटी छोटी तो पोएम कविताएं होती है, वो जी उसके साथ उनकी जबान खेल रही है। वो बोल नहीं बोलना उनके आता नहीं है ना, जी तो वो जबान उनकी खुलती जा रही है, तो अच्छा लगता है बच्चों को देखकर। बस यही मेरी अभी कोशिश शुरू की है मैंने। नहीं, बच्चों के लिए प्रोग्राम रखे, अगर आप इसमें 2200 मानवता जोड़ सकते हैं उसको तो जोड़ें इसको, और गुरबाणी सिखाएं उसको। अगर हो सके तो जो आपकी भाषा है इधर की छत्तीसगढ़ की, उसमें उसको कन्वर्टेड करके, कन्वर्ट करके उसको मतलब ट्रांसलेट करके उसको आप लोगों को समझा सकते हैं। क्योंकि भाषा ये जो है ना पंजाब तक सीमित रख दी। एक तो पंजाब में 2-3 कहावतें हैं, कह रहे हिंदी बोलने वाले सिख नहीं होते और सिर्फ पंजाबी बोलने वाले सिख होते हैं। तो मैंने जो है हिंदी छोड़ी ही नहीं है, मैं इधर का यूपी का हूँ तो मैं हिंदी हिंदी में ही बात रखता हूँ सबसे ज्यादा। पंजाबी में बोलता हूँ, ऐसी नहीं पंजाबी मजा नहीं आती है, पंजाबी आती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो गुरु ग्रंथ साहब का जो ज्ञान है पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलना चाहिए। इनके सिखों के मतलब खुद की जागीर नहीं है ये पूरे मानवता की जागीर है। श्री गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान पूरे मानवता के लिए, पूरे इंसानियत के लिए है। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहती हैं इसमें जो है वॉइस ऑफ मानवता के जरिए, और जो नौजवान बच्चे हैं जो आ रहे हैं सामने उनको क्या कहना चाहती हैं लास्ट में जी? बस गुरुओं का संदेश सभी तरफ फैलाओ तो अपने आप ही लोग आजाद हो जाएंगे। हमें किसी से आजादी मांगने की जरूरत नहीं है। जब गुरुओं की शिक्षा हमें मिल जाएगी, संदेश मिल जाएगा, उन्होंने क्यों कुर्बानियां दी हैं, क्यों शहादत दी है, इन चीजों को हम समझ जाएंगे, तो हम अपने आप ही आजाद हो जाएंगे। क्योंकि हमारी गुलामी जो है वो मानसिकता की गुलामी है और कुछ नहीं है। जी, मैं एक दो दो बात ऐड कर रहा हूँ उसमें। हम लोग क्या है कंफ्यूज लोग हैं। मैं जो हमने अभी तक जो रास्ते अपनाए हैं ना, तो हमें गुरबाणी समझ आई है ना महापुरुषों की बातें समझ आई है। क्यों नहीं समझ आई, कारण क्या है? क्योंकि स्पष्टी तौर से अभी तक रास्ता सही नहीं नजर आ रहा था। तो हमने इसके रास्ते निकाले हैं कि जो इंसान है तो 90% वर्ल्ड के अंदर कंफ्यूज लोग होते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिया है कि जो इंसान झूठ ही झूठ बोलेंगे, बेईमानी ही बेईमानी करेंगे, उनको गुरबाणी क्या कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जो लोग कभी झूठ बोलेंगे कभी सच बोलेंगे, कभी झूठ बोलेंगे कभी सच बोलेंगे, यहाँ इस जो लाइन पर खड़े हैं 90% लोग कभी सच बोल देते हैं कभी झूठ बोल देते हैं, उनकी लाइफ ऐसी है कि वो एक घूमते रहते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं। सबसे बड़े झूठ बोलने वाला कभी कंफ्यूज नहीं होता है और ना सच बोलने वाला कभी कंफ्यूज होता है। जो झूठ बोलते हैं डाका, जो बड़े बड़े डाका कहते हैं ना, ये बड़े आपने देखे होंगे कि जो झूठ बोलते हैं जो बेईमानी करते हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। कारण क्या उसका? इसका मतलब है कि उनका फोकस पूरा लगा होता है उस काम के ऊपर, वो करते हैं चाहे उनको मर जाए या मिट जाए, करेंगे जरूर उसको। जो लोग 90% ऐसे लोग होते हैं जो कभी झूठ बोलते हैं कभी सच बोलते हैं, ये तो कन्फ्यूजन का फोकस ही नहीं लग पाता कहीं भी किसी काम पर भी, इसलिए फेल हो जाते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं ईमानदार होते हैं, बिल्कुल सच्चे ईमानदार, जब सच्चाई और ईमानदारी अंदर आएगी तभी सच्ची बात समझ में आएगी और तभी जिंदगी में तब्दीली आएगी, नहीं तो ऐसे नहीं आएगी।
तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो नौजवान सच ही सच बोलेंगे वो महान बन जाएंगे, और जो झूठी झूठ बोलेंगे वो शैतान बन जाएंगे, और जो कभी सच बोलेंगे कभी झूठ बोलेंगे वो साधारण इंसान रह जाएंगे। तो आपका स्पेशल धन्यवाद जनरल कौर जी। एक संत जरनैल सिंह गोहिल इंडिया है बाल भारत के अंदर, जिन्होंने हुकूमत को हिला कर रख दिया था और नाक से चने चबाए हैं। जरनैल सिंह, संत जरनैल सिंह का नाम सुना होगा आपने, उनकी आवाज से ही दिल्ली कांपती थी। आज तो खैर उनका उनके फोटो से कांपती दिल्ली। आई गेस जरनैल कौर जी आए हैं, आने वाले वक्त में गुरु साहब कृपा करें एक इतिहास बने, और उम्मीद के साथ मैं कह रहा हूँ कि इतिहास बनेगा, क्योंकि नाम जो है ना ऐसे नहीं मिलते हैं, कुछ उसके पीछे कारण होता है। चलो तो शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। जी जब मैं आंदोलन में गई, मुझ पर वारंट निकला। यहाँ के सारे जो नेता लोग थे, इन्होंने मेरे खिलाफ एसपी के पास रैली निकाल कर ज्ञापन दिया था कि कुछ ऐसा बोल कर कि मैं उद्योग कंपनियों पर कुछ उनको लूटने की कोशिश कर रही हूँ, उनसे पैसा वसूली कर रही हूँ। इन कंपनियों से मैं बस पैसा, वही एक आदिवासी महिला गांव में, छोटे से गांव में रहने वाली, जिसके आगे पीछे कोई है नहीं, वो उनको क्या लूटने जाएगी। तो जब उन्होंने वारंट निकाला, मैं यहाँ से चली गई बाहर, जी आंदोलन में चली गई। तब हमारे गांव में एक मंदिर बनाया गया, काली का मंदिर, और वो इस अच्छा उद्देश्य बनाया गया कि मेरे कदम दोबारा इस गांव में ना पड़े। तो अच्छा आंदोलन के बाद मैं वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में जब सेवा करती थी, मैं वहां लोगों से कहती थी कि मैं शायद अपने अपने घर में दोबारा मैं नहीं आ सकूंगी, नहीं जा सकूंगी, मेरी हालत ऐसी है। मेरे घर पर भी मैं सबको बोल कर गई थी कि मेरे लौटने की अब उम्मीद मत रखना, सब अच्छा प्यार से रहना, अच्छे से रहना। तो देखिए, जी पुरुष खेल, अकाल पुरख का खेल या वाहिगुरु का खेल, कि उन्होंने मेरे लिए काली मंदिर बनाया, उन्होंने पूजा चंडी बनाकर भेज दिया। नहीं, चंडी नहीं, वो तो मतलब गुरु ने देखो आपको साहिबजादी बनाया, राजकुमारी बनाया, ये तो कुछ भी नहीं है। काली धोली तो पीली कुछ भी नहीं है, तो ये तो सिर्फ एक कंफ्यूज होने वाला कुछ है, और नहीं कुछ नहीं। लेकिन गुरु साहब ने आपको एक बादशाह, गुरु साहब कहते हैं कि इन गरीब सिक्कन को देव पातशाही, याद रखे हमारी गुरियाए। तो गुरु ने हमें बादशाह बनाया, तो ये तो कुछ भी नहीं है। आज है बोले उनका उनकी कोई औकात नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इंसान जब कुछ करने वाला होता है, तो इंसान जो है ना, इंसान इनसे बड़ा है। तो गुरु कबीरदास जी कहते हैं कि इस मानस इस देही को सिमर देव, जो देही इंसान की मिली है संसार में, ये संसार ये देही इस बाणे के लिए ये देवते भी खोजते हैं, ऐसा गुरबाणी कहती है। तो ये देवतों से भी बहुत बड़ा एक इंसान की एक मतलब हैसियत है, उसको समझना बहुत जरूरी है। जिसके अंदर सच और ईमानदारी आती है वो इसको समझ पाता है। तो थैंक यू जनक गोल जी, आप हमारे साथ में जुड़े, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही बेधड़क होकर के, बेखौफ होकर के गुरु साहब की बात आगे रखते रहेंगे, और सच्चाई ईमानदारी से चलें। आपका हर मैदान हर फतेह होगा, क्या कहते हैं, हर मैदान हर जो फतेह हो जाएगा, क्योंकि सच्चाई एक ऐसी चीज है, पावरफुल है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कोई ना तो उसको खरीद सकता है, ना कोई उसको बेच सकता है, ना इसको कोई डिगा सकता है, ना कोई उसको रोक सकता है। तो थैंक यू जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आप वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु, थैंक यू। लाइक करने के लिए।